कांग्रेस हाई कमांड जान चुकी है कि चाहे दोनों लीडर एक मंच पर बैठ गए ने पर ना दिल मिले ने ना अखा मिलिया ने। हरीश रावत जेडे मौजूदा कांग्रेस पार्टी मामलों के इंचार्ज ने उन्होंने रुखसत किया जा रहा। सिर्फ तो सिर्फ केवल तो केवल प्रियंका गांधी ही संभालन। प्रियंका गांधी तो बगैर हुण पंजाब कांग्रेस की गड्डी नहीं चलनी। द समर न्यूज़ में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगतार सिंह। वड्डी खबर लैके हाजर हाँ। वड्डी खबर कांग्रेस पार्टी दे नाल जुड़ी हुई है। खबर कैप्टन अमरिंदर सिंह अते नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई है क्योंकि कांग्रेस हाई कमांड जान चुकी है कि चाहे दोनों लीडर एक मंच पर बैठ गए ने पर ना दिल मिले ने ना अखा मिलिया ने ना मतभेद भी हुण वक्रे ने ते मनभेद भी वक्रे ने। अगर दोनों लीडर की आपस के तालमेल होया तो लाजमी तौर पर जिहड़ियां 2022 विधानसभा चोणां होणियां उहदे च कांग्रेस दूजी वार सरकार बना सकती है। ये कांग्रेस हाईकमान महसूस करती है। लेकिन अगर तालमेल ना बनिया तो लाजमी तौर पर कांग्रेस पार्टी के समीकरण तो गणित दोने विगड़ जाने ने। इस करके नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस प्रधान अते कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब दोनों नूं कट्ठा करना कांग्रेस पार्टी वास्ते बहुत वड्डी चुनौती बन चुका क्योंकि दोनों दे दिल नहीं मिल रहे अखा नहीं मिल रही। तो यही चिंता है कांग्रेस पार्टी वास्ते कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान तो बना दिता गया लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल उह सांझा कदों पैणगियां। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दौरे ते ने लगातार विधायकों मिल रहे ने जिले दे विच जा रहे ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला रहे ने। पर सवाल है कि 2022 दीआं चोणां किवें जितनियां ने और हाईकमान के सूत्रों मुताबक कांग्रेस पार्टी के सूत्रों मुताबक हरीश रावत जिहड़े मौजूदा कांग्रेस पार्टी मामलों के इंचार्ज ने उन्होंने रुखसत किया जा रहा। ये किसी वेले भी ऐलान हो सकता हाईकमान वालों। उन्होंने रुखसत करन पिछे कांग्रेस पार्टी का तर्क भी जायज़ आ दलील भी जायज़ आ। तर्क ते दलील इस करके जायज़ ने क्योंकि पंजाब विधानसभा चोणां दे नाल ही उत्तराखंड विधानसभा दीआं चोणां ने जिथे हरीश रावत खुद संभावित मुख्यमंत्री दे उम्मीदवार ने ते इस करके उन्होंने पंजाब तो फारग किया जा रहा। पर उन्हां दी जगह दो नाम वड्डे चल रहे ने पर जिन्हां दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल अजकल नहीं बनदी जां जिन्हां दे आपसी बोल कबोल हो चुके ने जां आपसी जिहड़ी कैमिस्ट्री आ जां तालमेल विगड़ चुका ने वो महसूस करते हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं कट्ठिया लगातार मंच ते बुलाउणा बिठाउणा दिल मिलाउणे हाथ मिलाउणे ये जिहड़ा हुण सारे दा सारा जिहड़ा दारोमदार आ ये हाईकमान हाईकमान मतलब गांधी परिवार ते निर्भर करदा। तो वो कांग्रेस पार्टी पंजाब दा इक तड़ा चाहुंदा कि जिहड़ी पार्टी मामलों की जिहड़ी जिम्मेवारी हुण पंजाब दी आ उह सिर्फ ते सिर्फ केवल ते केवल प्रियंका गांधी ही संभालन। प्रियंका गांधी तो बगैर हुण पंजाब कांग्रेस की गड्डी नहीं चलनी। अगर वो पंजाब की जिम्मेवारी संभालते ने तो लाजमी तौर पर पंजाब कांग्रेस एकजुट रहेगी एकमुठ रहेगी और विधानसभा 2022 जिहड़ी चोणां ने आसानी दे नाल जित के सूबे दे विच दूजी वार सरकार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। पर नाल दे नाल जो सूत्र दस रहे ने कि यूपी दीआं वी चोणां नूं ध्यान विच रखते हुए प्रियंका गांधी पंजाब की जिम्मेवारी तो संभाल सकते ने पर यूपी कांग्रेस पार्टी वास्ते एक वड्डा चैलेंज है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्थों मरफी हो चुकी है सरकार उत्थे बन नहीं रही हैगी और विधानसभा यूपी इस करके महत्वपूर्ण है कि उस सूबे तो लोग सभा मैंबर जिहड़ी उन्हां दी गिनती 80 आ। उत्थे पिछलियां विधानसभा चोणां च भी प्रियंका गांधी नूं पछमी यूपी की जिम्मेवारी दित्ती गई सी पर पंजाब दे कांग्रेसी ये महसूस कर रहे ने अपील कर रहे ने कि प्रियंका गांधी नूं पंजाब पार्टी मामलों की जिम्मेवारी दित्ती जाए। प्रियंका गांधी इस टाइम कांग्रेस पार्टी कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के जनरल सकत्तर ने ते अक्सर ही जनरल सकत्तर जिहड़े कांग्रेस पार्टी के होंदे ने उन्हां नूं ही
बाकी सूबयां दे विच पार्टी मामलों के इंचार्ज बना के भेजा जाता। हालांकि इस तो पहला हरीश रावत तो पहला आशा कुमारी जो डलौजी तो कांग्रेस पार्टी के विधायक सन उन्हां कोल जिम्मेवारी सी, लेकिन वो पंजाब कांग्रेस नूं इकट्ठा नहीं कर सके। उन्हां दे नाल सैप इंचार्ज वो राजस्थान तो एम पी सन हरीश चौधरी, वो दोनों पंजाब विच कम करते रहे ने। पर हुण हरीश रावत नूं मिशन दिता गया, हरीश रावत उस मिशन दे विच कामयाब होए ने। उन्होंने सिद्धू नूं प्रधान बना दिता। हाईकमान भी चाहती सी कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने, क्योंकि इस समय नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी महसूस करती है कि वह एक विनिंग होर्स है और विनिंग होर्स ते ही हमेशा लोग दा खेडते हैं। दूजे पास कैप्टन अमरिंदर सिंह वास्ते भी झटका कि प्रशांत किशोर नूं जिस उम्मीदां दे नाल पंजाब विच लिआंदा गया सी, उन्होंने हुण पंजाब सरकार नालों अपना नाता तोड़ लिया। वो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सलाहकार नहीं रहे, उन्होंने ये जानकारी जनतक कर दी है। पर नाल दी नाल कांग्रेस पार्टी ये महसूस कर रही है अगर प्रियंका गांधी यूपी छड के ना आए, जे उन्होंने पंजाब की जिम्मेवारी ना संभाली, तो उन्होंने नाल नंबर टू जी जिम्मेवारी आ वो इस समय जो राजस्थान के मंत्री ने जो पंजाब पहला ही सह प्रभारी रह चुके ने हरीश चौधरी, उन्होंने जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो कुल मिला के दो हुण कांग्रेस पार्टी को वड्डे चेहरे ने, इन्हां च नंबर वन ते प्रियंका गांधी आ। पंजाब कांग्रेस महसूस करती है कि प्रियंका गांधी नूं पंजाब पार्टी मामलों का इंचार्ज लगाया जाए। अगर यूपी दे विच उन्हां नूं कोई होर चेहरा मिल जाता तो लाजमी तौर पर पंजाब की वो कमान संभाल सकते ने बतौर पार्टी मामलों के इंचार्ज, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी पंजाब चाहणगे पंजाब की जिम्मेवारी संभालेंगे तो कांग्रेस पार्टी महसूस करती है कि फिर नवजोत सिंह सिद्धू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हर रोज़ हर मंच ते वर्करां नूं लीडरां नूं ते पंजाब नूं बैठे दिखाई देणगे। और कांग्रेस पार्टी ये भी महसूस कर रही है कि पंजाब इस वेले ओपोजिशन च वंडिया होया, ओपोजिशन कोल नूं जां उन्हां दे सामने बहुत सारियां चुनौतियां ने। कांग्रेस पार्टी दा एज आ और उस एज नूं जित दे विच तब्दील करन वास्ते पंजाब पार्टी मामलों की जिहड़ी हुण जिम्मेवारी उह प्रियंका गांधी नूं देनी चाहीदी आ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है कि श्रोमणी अकाली दल की हले जिहड़ी गड्डी आ उह पटड़ी ते नहीं चढ़ी। पंजाब की जनता दीआं नज़रां दे विच श्रोमणी अकाली दल दे प्रति हले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, चाहे वह गुरु साहब जी की बेदबी का मसला होवे जां फिर कुछ होर जिहड़े पक्ष ने जां होर जिहड़े उन्हां ते इल्जाम लगे ने। हालांकि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल काफ़ी जोर लगा रहे ने, काफ़ी ऐलान भी कर रहे ने, उम्मीदवारों का भी ऐलान कर चुके ने। चोण वादिया नूं लैके जिहड़ा चोण घोषणा पत्र उन्होंने उहदा भाग एक भी रिलीज़ कर दिता गा। कोशिश कर रहा श्रोमणी अकाली दल कि कांग्रेस पार्टी नूं टक्कर दित्ती जा सके। इस करके कांग्रेस पार्टी लगता कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंच ते आउंदे तो लाजमी तौर पर उन्हां दी जित होगी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हले पंजाब की जनता दे नाल उन्हां दा आपसी तालमेल नहीं बनिया। हालांकि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा काडर आ जिहड़ा वोट बैंक आ वो काफ़ी मजबूत आ और अकाली दल नूं उम्मीद आ कि इस बार चंगीआं सीटां आउणगीआं। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी का सारिआं नूं हालात का पता ही आ कि 117 उम्मीदवार भी लभणे पार्टी नूं मुश्किल हो रहे ने। वो पार्टी दे विच उम्मीदवार शामिल किए जा रहे हैं जिन्हों का हले तक खाता भी नहीं खुला है। हले भारतीय जनता पार्टी 117 उम्मीदवार लभ रही है। और जितों तक आम आदमी पार्टी का सवाल, आम आदमी पार्टी के वर्करां दे विच करंट आ, लीडरां दे विच करंट नहीं आ। और आम आदमी पार्टी की अगर गल की जाए तो वह हले डिसाइड करना कि जिहड़ा सीएम का चेहरा वह पंजाब तो होगा या पंजाब तो बाहर होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि पंजाब तो होएगा सिख चेहरा होएगा, कि सिख चेहरा वह भगवंत मान होएगा। जे भगवंत मान सिख चेहरा ने आम आदमी पार्टी वालों तो की पार्टी नाल चलेगी, तो पंजाब के जिहड़ा वोटर आ जां पंजाब की जिहड़ी जनता वह पसंद करेगी। क्योंकि एक पासे सारे पता कि कांग्रेस पार्टी वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरे हो सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा हो सकता जां कोई होर चेहरा हो सकता, श्रोमणी अकाली दल वालों सुखबीर सिंह बादल चेहरा हो सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी वालों भगवंत मान चेहरा हो सकते हैं। ये चेहरिया ध्यान में रखते हुए पंजाब की जनता बहुत वड्डा फैसला करेगी। अगले 5 साल का भविख जिहड़ा उन्हां दा इन्हां लीडरां दे हाथ वह सौंपेगी। पर सवाल आ कि हुण जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा आपसी तनाव आ, कलेश आ, मतभेद आ, मनभेद आ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਦਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਟਾਵ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।